बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू स्कोर 24 में आपका खुश आमदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान सलमान अहमद। नाज़रीन, एक तरफ तो मज़ालम डाए जाते हैं भारत में मुसलमानों पर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ख़बरें भी हमें मिलती हैं सुनने को जिससे हमारा ईमान ताज़ा होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, जिससे हमें सुकून मिलता है। वो ख़बर ये है कि देखें, ये बॉलीवुड सितारे सुष्मिता सेन की बात कर रहा हूँ और सोनू निगम की। सुष्मिता सेन की एक ताज़ा तरीन वीडियो मशहूर हुई है, यकीनन मैं आपको आगे चलकर वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ, अकेली नहीं अपनी फैमिली के साथ सूरह असर पढ़ रही हैं, सूरह असर की तलावत कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ। ये मैसेज दिया उन्होंने, ये ताज़ा तरीन उनकी वीडियो है जो मशहूर हुई है, जो वायरल हो रही है, ये मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे सोनू निगम की कि वो किस तरह इस्लाम का बदतरीन मुस्लिम था और अभी वो क्या है और क्या नहीं है, ये भी सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और गुजारिश कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बरवकत मिलता रहे। जी तो नाज़रीन, बात करेंगे सोनू निगम की। तो सोनू निगम ये वो इंसान है, इसका ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था जो अजान तक बर्दाश्त नहीं करता था। ये ट्वीट देखें, इसने कुछ अरसा पहले ट्वीट किया था कि ये जो फजर की अजान होती है ये डिस्टर्ब करती है। इसने इस किस्म के बयानात भी दिए थे, इसने कहा था ये अजान फजर पर नहीं होनी चाहिए, जब हमारा इससे तल्लक नहीं है तो हम क्यों इसको सुने। तो ये वो बंदा है, इसने ऐसे बयानात दिए थे और ये ट्वीट भी स्क्रीन के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो इसकी लेटेस्ट ताज़ा तरीन वीडियो वायरल हो रही है वो यकीनन आप यूट्यूब सर्च करने पर या गूगल वगैरह सर्च करने पर आपको मिल जाएगी। इसमें वो कह रहा है वातु इज़्ज़ु मन तशाउ वातु ज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत देता है, जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। ये वही बंदा है जो अजान तक बर्दाश्त नहीं करता था, आज ये कुरान पाक की आयत पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुबई के अंदर ये वीडियो इसकी वायरल हुई है और ये है इनके लिए मिसाल, भारत के उन हुक्मरानों के लिए ये मिसाल है कि देखो तुम जितने भी जुल्म करोगे ना लोग इस्लाम की तरफ आएंगे। ये आरएसएस के लिए भी मिसाल है जो जुल्म करती है, जो ये हिंदू नफरत जो फैलाई जाती है ना मुसलमानों के दरमियान, ये बुनियादी तौर पर इसकी वजह एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि ये कहीं ये सारे लोग मुसलमान ना हो जाए, जिस तरह इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है ना। और अभी बात करेंगे सुष्मिता सेन की, तो सबसे पहले आप वीडियो मुलाहिज़ा करें और बाकी इंशाल्लाह तफसीलात उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की, अपनी फैमिली के साथ सूरह असर पढ़ रही हैं। इसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान खसारे में है। और इसकी आखिरी आयत का तर्जमा कुछ इस तरह है, मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे, ये इसका तर्जमा है। ये सुष्मिता सेन की लेटेस्ट वीडियो है जो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर। इन्होंने ये लाइव सेशन में इनके किसी मदा ने, इनके किसी फ़ैन ने इनसे सवाल किया था कि इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई ऐसी चीज़ सुनाएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो, तो इसके जवाब में उन्होंने ये सूरह असर जी की तलावत कर दी, सूरह असर सुना दी अपनी फैमिली के साथ। और यही मसाले हैं, इंशाल्लाह ये दुनिया इस्लाम की तरफ रागब हो रही है, इस्लाम के करीब आ रही है और करीब आती जाएगी। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन सबको मज़ीद इस्लाम को समझने की तौफीक दे। ये थी लेटेस्ट अपडेट सुष्मिता सेन और सोनू निगम के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी आपको मज़ीद अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनवा का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।